क्या हुआ था तुम्हारे पापा के साथ? पहले तो हम अपने नाम बता रहे हैं, गौरव कुमार। यहाँ पूरा टोला में दारू बिक रहा है। तो आप लोग पुलिस पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आता है, अपन देख दाख के चला जाता। पुलिस कुछ नहीं करता है, सब हम सभी बताते भी है ना, तो वो सब थोड़ा मोड़ा खोजते हैं, फिर चले जाते हैं। बाबू सही में शराब यहाँ बिकता है? बिकता है। सच बोल रहे हो? स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। शराब बिकती है बैन होने के बावजूद भी और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं थोड़ा मोड़ा होता है। शराब सही में बिकता है यहाँ? हाँ यहाँ शराब बिकता है। कौन बेचता है शराब? सब टोला में के बेचता है उन्हें। टोला में के? घर में कोई शराब पीता है? नहीं नहीं, लेकिन शराब यहाँ बिकता है? बिकता है। गाँव के लोग पीते भी होंगे? पीते हैं। और पीकर क्या करते हैं? गाली गलौज करते हैं। शराब पीना अच्छी बात तो है नहीं? नहीं। तो आप लोग समझाते नहीं हैं? समझाते हैं तो कितना तो समझबो नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अपने ही लोग के कहला पर बंद कर लेती है शराब, कि घर में मैं पुरुष शराब पी के जाके घर में मारा पीटी झगड़ा गाली गलौज करता है, तो इसलिए भाई इसको बंद कर दिया जाए। अब बताइए कि शराब तो बंद हो गया, तो घर में जो कलह है वो भी बंद हो गया है कि चल रहा है? उससे वैसे चल रहा है विवाद। माने घर में जो कलह है पहले से ज्यादा चल रहा है? बहुत विवाद वैसी का है। अब जो दारू सेलिंग सरकारी बंद हो गया। अच्छा, लेकिन प्राइवेट तो चूली चूली पर चुहा के बेचता है। और औरत बानी सब? हाँ, औरत भी बेचती है जी। और नीतीश कुमार का क्या बोले? वो तो कहते हैं जो दारू पिएगा तो मरेगा। दारू यहाँ घर घर में बिकता है। हम तो नीतीश कुमार के बोलना चाहते हैं कि घर घर में दारू बंद करवा दिया, फिर उन चालू हो गया घर घर में। आज पापा नहीं है, किसको आप दोषी दीजिएगा, नीतीश कुमार को या दारू को? नीतीश कुमार को दोषी देंगे क्योंकि वो दारू नहीं बंद करवा रहा है। दारू तो वो बैन कर दिया। कैसे बंद कर दिया? अब ये तो मिल रहा थी, तो हम लोग की गलती है ना कि हम लोग बेच रहे हैं? हम लोग नहीं बेच रहे हैं, बिचवा रहे हैं। नीतीश कुमार जब कह रहा है कि पिएगा सुन मरेगा, तो आदमी का खती करेगा? वो तो दारू चुरा भी ना करेगा। क्या मजबूरी है दारू चुराने की? क्या मजबूरी है? देखिए रोड नहीं बन रहा है, मुखिया है वही जो आता है, खाली वोट मांगने आता है, यहाँ जोड़ के आता है, फिर चल जाता है, फिर ये कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए तो ऐसे रोड है, ये कौन रोड है? जब जब पानी आता है तो इतना इतना भर जाता है। कितने भाई बहन हैं आप? दो भाई एक बहन। बड़ा कौन है? हम। सारी जिम्मेवारी तो तुम ही पर है। तो हम क्या करेंगे, हम ही निभाएंगे। इसके चाचा जो वायरल जो बच्चा है, और वो वायरल बच्चा उनको गाली गलौज किया है। वह एक प्राइवेट शिक्षक है, अपने जीविकों के जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाते हैं। अब नीतीश कुमार जी, यहाँ दोनों चीज़ चल रहा है, पाठशाला और मधुशाला दोनों इस गांव में जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप मधुशाला पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब महाराज ऐसा शराब बंद करने से क्या फ़ायदा है? आप जितना पागल हो गए हैं शराब के पीछे, आप शिक्षा के पीछे पागल हो जाते, शिक्षा पर ध्यान देते, तो ऑटोमेटिक शराब वाली बात समाप्त हो जाती।